तो भैया के हाथ की चाय वाय पीनी है और अंकित भी भाई बड़ा एक्साइटेड है चाय पीने के लिए बोला। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। सो आज तारीख है कितनी? 7। और 7 तारीख को अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मनाली के लिए, और मनाली के लिए निकला जाएगा यहाँ से हमारा, मेरा जो डेस्टिनेशन जहाँ स्टे करूँगा वो 12 घंटे 28 मिनट दिखा रहा है, कुछ टाइम बीट भी करेंगे। तो अभी टाइम हुआ सही 9 बज गए करेक्ट, तो 9 से 9:10 रात के 10 बजे तक पहुँचा जाएगा, स्टे करेंगे और रास्तों का मज़ा लेते हुए चलेंगे। तो एक सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं मंजिल की ओर। तो टेक केयर, बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस प्लीज़ जाइए यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सेम आईडी है वेंचर ऑन रोड, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करो यार, नीड योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और नॉट बाय, चलते हैं साथ में। सो गाइस गाड़ी में आ गए हैं और भाई इग्निशन ऑन करते हैं। सुबह की जो सेल्फ होती है ना बड़ी मजेदार होती है यार। हाँ ठंड है, गाड़ी बहुत ठंडी हो रखी है, मतलब भाई से मैं बता नहीं सकता कि कितनी ठंडी हो रखी है। तो जय श्री राम। और अभी एक सेल्फ लेंगे कुछ सेकंड्स के बाद। ओके 3, 2, 1 गो। परफेक्ट, टेस्ट ट्रिप अपना 0 है और सब सेट है, GoPro वगैरह सब। तो चलने की तैयारी करते हैं। तो लो प्रभु का नाम, जय श्री राम। सो चलें फिर शुरू करें, लेट्स गो। पहुंच चुके हैं सबसे पहले, और हम लेट हैं बट कोई नहीं। कैसे हम लेट हैं बट ठीक है, टाइम से सेकंड हो ना, और कोई आया नहीं है। तो भाई भैया वेट कर रहे, भैया आप तो बहुत पहले निकल चुके हैं। मैं तो आगे पूरी खाई मैच। तो भैया अपना चीजा देखो, ये थी जो मैं लास्ट टाइम दिखाई थी ना, ये भैया ने क्रोम में, और ये देखिए भाई साहब गजब ही काम करा रखा है, बढ़िया वाला। और आज तो कवर भी नहीं है। अच्छा तो चलो भैया बातें करते हैं भैया से और फिर निकलेंगे आगे। और ग्रुप आ रहे हैं तो बहुत सारी बातें हैं, लंबा सफर है, चलता रहेगा। और चीता आज अपने साथ ही है भाई। गुड मॉर्निंग भैया, चलते फिर निकले। भैया भी आ गए हैं और अपना गड्ढा रेडी है। तो गाइस फाइनली अपना वॉकी टॉकी भी आ गया और अभी मूव करते हैं हमें आगे के लिए, क्योंकि हमारा स्टे आगे कुरुक्षेत्र रहेगा। लास्ट रास्ते मम्मी पापा से मिलूंगा और एक बार मंदिर चलते हैं। तो चलें गाइस, और एवरेज देख लो भाई, एवरेज मामले वाली गड्डी ओके है। गाड़ी अपनी दोनों रेडी हैं, भैया दोनों गाड़ियों में हैं और अपना कन्वर्सेशन के लिए वॉकी टॉकी। और भाई जाम लगा हुआ है सिंगो बॉर्डर पे, और जाम देख लिए 15 मिनट्स का तो अभी दिखा रहा है। तो चलो देर ही निकलते जाएंगे, आगे मम्मी पापा से मिलना जरूरी है। फाइनली मम्मी पापा आ गए हैं। मम्मी भी आ गई है। ए कैसे हो? मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं। अरे प्लीज प्लीज थैंक यू। चल ठीक है मनी, ठीक है बाजी, मामा पापा, चलो चलो चलो, ख्याल रखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो भाई फैमिली से मिल लिए हैं और चलो चलते आगे मूव करते हैं। तो अभी सुखदेव पे रुके, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते, पराठे शराठे खाते हैं। भैया स्टोरीज में बिजी हैं, भैया भी स्टोरी लगाने में बिजी हैं। और अपने भैया कहाँ हैं? वो अपने फोन में बिजी हैं।
तो चलो आ गया है ब्रेकफास्ट, गोभी आलू पनीर और अभी चाय बाकी है। तो भैया आप तो इधर कितना मतलब आए पहले? हाँ कई बार आया और उसका खाना भी बहुत अच्छा है। हाँ तभी यहीं रुके खाने के लिए। और भैया ना पूरा भैया को एक कैमरे का ही पता है कहाँ चलान होना है, बोले 80 की स्पीड 70 की स्पीड। अच्छा आपने बताया? पता नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे रट रखे हैं। तो चलो चाय आ गई अपनी भाई, चाय पीते हैं। सर हनी मैम कैसे है? गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया और अब निकलते हैं जल्दी क्योंकि अभी लंबा जाना है। अभी हम आए हैं अभी करीबन 43 किलोमीटर आ गए हैं। तो चलते हैं, भैया ने भी गाड़ी कर दी स्टार्ट, अपनी एक वो खड़ी और अपना एक कालू। चीता भाई चीता, भाई आ गए हैं और अंकित भाई की एंट्री भाई गजब होती है। कैसे अंकित भाई वाला रेड बॉल ये खड़ा भाई अपना, अंकित भाई अपना शेर के साथ आया है, चीता पपीता गाड़ी के साथ चीता। तो भाई अंकित भाई आ गए हैं, तो अंकित भाई के फ्रेंड भी आए हैं। कैसे भैया? चलो मिलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। निकल लिए वो? हाँ गई वो। चलो फिर स्टार्ट करो, ट्रिप हो गया स्टार्ट भाई, चलते आओ। रेड एंड व्हाइट वाले भैया अपने साथ है भाई, चलो चलो। तो भैया भैया के घर पे आ गए थे, मुझे भी पास खाना वाना खाया आंटी अंकल, अभी चलते हैं यहाँ से और बढ़िया रहा खाना। चलते हैं, मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा था। मेरे लिए पनीर और आलू छोले थे, इनके लिए नॉन वेज था। तो अपन भाई प्योर वेज बंदा भाई, तो अंकल बहुत ही अमेजिंग है। तो अंकल से भी अच्छा लगा, आंटी को बोलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम अम्बाला से निकल गए हैं और बड़ा अच्छा रहा क्योंकि अभी मोहित भैया घर रुक गए थे, वहाँ पे बढ़िया लंच किया अंकल आंटी को। आप देखा होगा हमने अंकल आंटी बड़ी अच्छे से खाना खिलाया यार, बहुत गजब, मेरे लिए स्पेशल बैच बनाया हुआ था। तो यार बड़ा अच्छा लगता है जब इतना प्यार मिलता है ना और अच्छे दोस्त मिलते हैं, मजा आता है। आज हमने सिर्फ सफर करना, हमारे दिन कल से शुरू होगा, दैट्स इट। नहीं मजे वाली बात तो यही है भैया, ये देखो थॉर्स। तो चलो वेलकम टू पंजाब। देख लिया ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे बहुत है भाई, बहुत मिलेंगे सच में। ब्रेक लिया, दूध दूध लेंगे रास्ते में, चाय बनाने का मन है भैया, चाय बनवाएंगे, चाय पहले चाय बनानी है। अंकित कहाँ गया? अंकित भाई चाय भी नहीं है, चाय पीनी है, अपनी बना के पियेंगे। नहीं अपनी पियेंगे भाई, अपने किसी और की पीते ही नहीं हम, हाँ अपनी पियेंगे भाई। और अपना ये हैशटैग वाइल्ड था, ये भैया का आईडी है, हमारी आईडी भी। और आपको तो हम मेंशन करेंगे अंकित भाई, रेड एंड व्हाइट वाले रेड एक्सप्लोरर, हाँ ये मेंशन होगी भाई। और भैया अभी कर रहे हैं दो चार काम वाम, तो ठीक है अपने तीनों गाड़ियां खड़ी हुई लाइन से भाई, मस्त चल रही है। दूध आ गया अपना और दूध ले आए भैया, दूध आ गया भाई अपना, बस अब चाय की तैयारी करेंगे बस, ठीक है ना। अभी बैठते हैं हिमाचल पहुंचते, पहले पहले चाय पीएंगे फिर मजा जाएंगे, फिर आएगा मजा। चलो चलते हैं। हमारा अभी प्लान था कि हम जाके अभी हिमाचल में एंट्री करते ही चाय बनाए, तो चाय बनाने के लिए हमें कप्स चाहिए थे और सब कुछ हमारे पास था। तो हम एक शॉप पे रुके थे यहाँ पे रोपड़ के पास, तो हमने यहाँ से कप्स लिए, इलायची ली और फिर आगे देखी चाय कैसे बनती है।
फाइनली हम हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं, पंजाब यहाँ खत्म हो जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ठीक है, तो हम हिमाचल में एंट्री कर गए हैं। अब ये एंट्री हिमाचल, गाइस हम हिमाचल में एंट्री करते ही रुक गए हैं, गाड़ियाँ अपनी रुक गई, इनकी फॉग लाइट्स सब कवर कर दी क्योंकि इन फॉग लाइट्स और जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं इन पर चलान है, क्योंकि संदीप भैया और मोहित भैया ने ही पता है क्योंकि आते रहते हैं तो बताया कि चलान है तो भाई इनको कवर करो, तो वेट एंड वॉच आपको एक बढ़िया चीज़ दिखा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमने बोला था ना हिमाचल में बैठते ही घुसते ही कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, एक थोड़ा सा हमने एक ब्रेक लिया है वो अपना टी ब्रेक, और भाई साहब संदीप भैया चाय स्पेशल बोला था भैया कि चाय मैं ही बनाऊंगा, नहीं तो भैया के हाथ की चाय भाई पीनी है, और अंकित भी भाई बड़ा एक्साइटेड है चाय पीने के लिए वाला। हाँ ठंड तो है ना, ठंड है बाहर निकल के ठंड लग रही है अंदर नहीं लग रही। और आ रहे हैं भैया भी बाहर अभी, तो चलो अभी चाय पीते हैं, और भाई चीनी चाय पत्ती सब अपने पास भाई सब। तो भाई एक चाय तो बनती है एंट्री करते ही हिमाचल में, क्योंकि हम कहीं रुकेंगे नहीं, अपनी चाय पीएंगे और निकलते जाएंगे और देखते हैं फिर भैया कहाँ स्टे कराते हैं आज पहला। तो ऊपर मज़ा आ रहा है, ड्राइविंग में भी कोई ऐसा नहीं कि थक गए भाग के, बिल्कुल आराम से लेके चल रहे हैं भैया कि नहीं आराम से चलेंगे, कोई भागा दौड़ नहीं, हमारे पास 5 दिन है और हमें 2-3 चीज़ें देखनी है तो 5 दिन इनफ है। तो चलो भैया से बात करते हैं, कहाँ भी जी भैया, कहाँ भी जी हो, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो भैया अभी आ रहे हैं, आओ भैया चाय पीते हैं फिर। तो भैया चाय पी रहे हैं और सॉरी काम कर रहे हैं, आ रहे हैं और अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई साहब, अपने कालू अपना भैया का बुल और भाई साहब एक दूसरा बुल ये भी है भाई, इनकी लाइट्स है ना जो मारने वाली है भाई गजब। तो चलो चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी 200 किलोमीटर के आसपास हमारा लेफ्ट है, कोई नहीं पहुँच जाएंगे, पहुँच ही जाएंगे भाई साहब। देखो बिल्कुल कड़क है भाई साहब, किड़क वाली इलायची डाली भैया, अरे भाई 5-6 डाल दी, वो टायर भी ऊपर देख सही है, सही मुठा के ऊपर आ गई, ऊपर आ गई इलायची घूम रही है। चाय पहले टेस्ट किसने की है, मोहित भैया कैसी है, बहुत बढ़िया गजब, मतलब मैं बताना सच में पहले मैंने चाय कलर देख के बता दिया था भाई चाय गजब बनने वाली है। अंकित मजा आया दादा, बढ़िया ठीक है भाई, आपको भी अच्छी लगी। गुरु भाई आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट है ऐसे थार पे जाना, तो कैसा लग रहा है, है ना मजा आ रहा है ना, रोड घूमता हूं। एक्चुअली पता क्या है भैया, सीनियर जब साथ होते ना तो अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस बंदे नहीं क्योंकि नेविगेशन की जरूरत नहीं है, आ जा तू ठीक है। हेलो चलें भैया फिर, ठीक है भैया फॉलो करते हैं आपको, चला गया है थोड़ा देख के चलना, कोई भी भाई ओवरटेक नहीं करेगा, एक दूसरे के पीछे चलेंगे सारे, और दोनों का टाइम हो रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान से चलना सारे भाई मिलके, डोंट वरी ठीक है भैया, ठीक है भैया फॉलो करते हैं आपको। अच्छा भैया सुनो सुनो भैया, मेरा कड़ा ब्याह वाला कुड़ी, अच्छा अंकित अंकित मेरी कितनी और चलेगी अभी भाई, पता नहीं कितनी थी, 500 पर 16 की एवरेज दिखा रही है, डिजिट लाया मैंने और सामने मेरी अभी 300 कुछ दिखा रही है और इसकी गाड़ी 500 कुछ दिखा रही है, एक्चुअली क्या है मेरी 2.2 है इसकी 5.1 है, आप कुछ कहेंगे भाई, मतलब मुझे भैया कह रहे हैं तेरी गाड़ी 1.5 है, अब मैं कैसे बताऊं यार भाई साहब, गलती से अपना ओके है भाई, तो भाई बहुत मजा आ गया, तो भाई बड़ी अच्छी लगती है यार चीजें अच्छी होती है ना, बट अच्छा है अभी एवरेज अच्छी जा रही है नहीं, तो संदीप भाई कुछ बताने वाले हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात है भैया, कैसे बताते वो हवा के लिए, आप देखो भैया मोशन नहीं पड़ता गाड़ी का, हाँ आपने कहीं भी रात को जरा से भी कट मार दिया जी है ना, रात को दिखता नहीं पूरा नहीं दिखता, तो जब फोकस ना होगा कट मार दिया हाँ। तो गाड़ी बबलिंग करे कहीं भी जा सकती है हाँ। स्लिप मार सकती है जी ठीक है ना, और आगे मौसम सारा ऐसा है कि स्नो रहेगी हाँ, आगे तो थोड़ा हमें सबसे हवा कम करनी चाहिए, वो आपने बताया 125 होनी चाहिए ना, और 25 तक हवा होनी चाहिए भाई लास्ट, ओके 25 हो मेरी 22 और 20 है, एक मिनट 20 है, एक मिनट 22 चलेगी लेकिन ज्यादा नहीं चलेगी, 32 33 डालते हैं वो नहीं चलेगी, गाड़ियों के हो गए टैंक नीचे बिल्कुल, अपना अभी हाफ
और ये देखिए भाई साहब ये टेढ़ी खड़ी ना, इसलिए हाफ चलेगा नहीं तो सीधा आएगा ना आपको, इसका हाफ से ऊपर है मेरा। और अभी भी 565 किलोमीटर चलेगी भाई साहब दिल्ली जाने के बाद, और हम 338 किलोमीटर चल चुके हैं, तो सोच सकते हैं ना 930 के आसपास की एवरेज दिखा रही है। और भैया गाड़ियों के तो डीजल एक क्वार्टर रह गया है, किसी की 200 किलोमीटर दिखा रही है, किसी की 250 दिखा रही है। तो भाई साहब अपना तो मजे है, अपना खा लो जिंदाबाद, लव यू, खा लो ओए पानी। लबालब ऊपर तक, और अपना है 115 रुपए, तो वेल डन, गजब महागजब। तो चलो निकलते हैं फिर यहाँ से, पे करते हैं। तो गाइस अभी रुके हैं थोड़ा खाने के लिए, और ये है कोई होटल पंचवटी, और बहुत बढ़िया है भाई, रूम्स भी है भाई इधर। तो चलो भैया चलते हैं, कुछ खाते हैं और देखते हैं कैसा क्या है, भूख तो लगी है हल्की हल्की। अपना डिनर आ गया भाई, दाल नॉन वेज, रायता, चपाती, क्योंकि हैवी फूड नहीं करेंगे, क्योंकि हैवी फूड हिल एरिया में अच्छा नहीं रहता खा के ड्राइव करना। तो चलो खाते और निकलते हैं और जाके सोते हैं भाई, कर ही देखेंगे ब्लॉग व्लॉग का सारा काम, ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल सर। अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ गए हैं और फाइनली पहुंचने वाले हैं, 6 मिनट बाकी हैं और भाई चल रहे हैं, अभी गाड़ियां आ गए हैं दोनों। अभी रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे 2 मिनट में, और हम इसका आपको पूरा व्यू रिव्यू देंगे। सायरा के नाम से है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कैबिन स्टूडेंट्स में है, कॉटेज बोल सकते हैं अपने, कैफे पास में सुन है, और भाई साहब उमदा प्रॉपर्टी, तो जरूर विजिट कीजिएगा। पूरा लिंक सब डाल दूंगा एपिसोड में, इसके लिए पूरा एपिसोड रहेगा। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं, टू बी कंटिन्यू।